खाओ पकाओ दुबे, यानी मैं खाना बनाता हूँ, पकाता हूँ और खाता भी हूँ। तो आज मैं घारी बनाने जा रहा हूँ, और घारी बनाने के पीछे और खाओ पकाओ चैनल शुरू करने के पीछे हमारा टारगेट ये है कि हम हर बार एक अलग अलग किचन पर धावा बोलेंगे और उस किचन में अलग अलग रेसिपी बनाएंगे। वो छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, पंजाबी, बिहारी, यूपी, पंजाबी, वो सब कुछ है, एकदम टिपिकल फूड हम लोग बनाएंगे। और इसके लिए आप हमको इनवाइट भी कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप हमें अपने किचन में आप बुला सकते हो, हम वहाँ आएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे। और हम इसके जरिए हमारे चैनल देखने वाले जितने ऑडियंस है उनको भी अलग अलग डिश के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसको बनाने के प्रोसेस के बारे में, और उससे क्या फायदे हैं उसको खाने और पीने से। उसके बाद ये गैस ऑन, ठंडने की हमारी बढ़ गई है, ये कहीं कुछ बिगड़े ना, तवा गर्म करते हैं, ये अच्छी बनेगी। हालांकि बहुत तो कोई कलाकारी नहीं है, बहुत आसान है, हमारा तवा तवे से वो गर्म होने का संकेत मिल रहा है। तवे पर तेल डालते हैं, तेल को थोड़ा हिला लेते हैं, हिलाना जरूरी तेल को, अगर आपका फ्लैट वाला तवा है तो ज्यादा बेहतर है। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि तेल आप जितना भी बाहर ले चलो तो उसके परिधि में तेल अंतिम में केंद्र बिंदु में आ जाता है और सत्ता केंद्रित। थोड़ा हमको कम करना पड़ेगा, तवा ज्यादा कर दो, कटा वाला चम्मच है बड़ा वाला टेबल स्पून तो ज्यादा सही है, हमारा टेबल स्पून अभी फिलहाल नहीं है तो हम इसी में बनाएंगे। हमारा घोल इसमें चला गया और ये बिल्कुल चीले की तरह, चीला से थोड़ा मोटा है क्योंकि इसको मोटा बनाना होता है। और जैसे आप डालो उसके ऊपर से थोड़ा सा और तेल ऐड कर दो, राइस फ्लोर में दिक्कत होती है या फिर कभी आप गेहूं के आटे से आप बनाओगे तो भी थोड़ी दिक्कत होती है, बेसन में ये अच्छा मुझे लगता है। और ये दो जरूरी आवाज से ब्लेड होना, थोड़ा हम गर्म होने देते हैं और लो फ्लेम पर रखेंगे। अगर थोड़ी बहुत चिपकने की गुंजाइश भी हो तो वो भी सही है। घारी निचले हिस्सा इसका पक गया है, अब इसको हम पलट देंगे। तो पलटते वक्त आप आराम से इसको तेल आपके ऊपर आने का भी डर रहता है, थोड़ा सा ऐसा चल जाता है, इसको जरा नहीं माना जाएगा। हम पलट दिए इसको, अब दूसरा हिस्सा भी इसका पक जाएगा। जैसे पक जाएगा तो आप इसको निकाल लेंगे और उसी तरह फिर हम आगे बनाएंगे। प्लेट में रख देते हैं बिल्कुल जैसा मैं पहले। कढ़ी आधी बनकर तैयार है, अब हम क्या करेंगे, जो घारी हम पहले बनाए थे ये घारी, इसको हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से आप एक एक करके आप डाल दीजिए, जैसे आप कढ़ी पकौड़े बनाते हैं, थोड़ा सा अलग है क्योंकि तो ये जो बनाने के जो तरीके होते हैं वही स्वाद बदल देता है और हर रीजन के हिसाब से वो तरीके बदल जाते हैं, इसलिए स्वाद भी बदल जाता है। घारी को डालने के बाद कम से कम हमको 10 मिनट तक और पकाने हैं, 10 मिनट में अच्छे तरीके से ये इसमें डूब कर तैयार हो जाएगा और तब हम इसको बोलेंगे कि घारी कढ़ी बन गई। तब तक आप इंतजार कीजिए।